जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो डाला था इस पर्टिकुलर बोर्ड के लिए, जो इसमें सीपीयू रिप्लेस करने थे और कुछ रिक्वायरमेंट इसमें था जो कि चेक करना था, कि रीज़न ढूंढना था कि सीपीयू शॉर्ट क्यों हुआ, तो वो तो मैंने ढूंढ लिया इसके जो रीज़न है। और जितने भी सप्लाई चाहिए जो चलने के लिए इनिशियली, वो सारे को मेजर करने थे, चेक करने थे कि वो उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है और किस लिए गड़बड़ हुआ है। तो ये सारे चीज़ जितने भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे थे वो मुझे करेक्ट मिल गया, यानी कि जो सप्लाई जितना करंट कंजप्शन मतलब जितना करंट अलाउ करता है वो सारे मैंने कंफर्म कर लिया इस बोर्ड पे। अब मैं कोशिश कर सकता हूँ इसमें सीपीयू लगाने का, और लगाएंगे भी और देखेंगे क्या ये चलता है या नहीं चलता है। और जैसे ही ओरिजिनल प्रॉब्लम मिल गया उसको मैंने रिस्टोर कर दिया है, और अब इसमें सिर्फ सीपीयू लगना है और सीपीयू लग के देखना है कि चालू होता है या नहीं होता है। तो एक बार के लिए मैं इसको दिखाता हूँ अब कि सीपीयू लगाने से पहले क्या करना है। यहाँ पे सीपीयू लगाने से पहले जस्ट इसको इंस्पेक्ट कर लेना है कि ये प्रॉपरली क्लीन है या नहीं है, ताकि फिर से इस पर अगर कोई क्लीन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है ये, तो ये गड़बड़ कर जाएगा, तो इसको पहले ही ठीक कर लेना है। ये हो गया, वापस से क्लीन करूँगा इसे लगाने के लिए, क्योंकि अब फाइनल स्टेज है, ये फाइनली इसको लगाना है सीपीयू देने का जो लगेगा। क्लीन हो गया, अब जो इसमें मैं लगाने वाला हूँ SR3N6, और इसमें जो था मेरे पहले से वो था ये SR2JG, और ये लगने वाला है। तो जो लगाना है उसको तो क्लीन करना पड़ेगा एक बार के लिए, नहीं तो डस्ट रह जाता है तो दिक्कत हो जाएगा इसमें। तो एक बार के लिए मैं इसे भी क्लीन कर ही लेता हूँ। एयर ब्लॉक कहाँ गया, ये उधर है। इसको लगाया जा सकता है यहाँ पे, बट फ्लक्स लगा लेते हैं एक बार, और एक बार फिर से वेरीफाई कर लें कि कोई गड़बड़ी तो नहीं रह गया। तो सही है सभी, अब फ्लक्स लगा लेते हैं इस पे और लगा देंगे इसको। ठीक है, इसे लगाने के लिए हो गया, अब ये लग जाएगा। तो फिर से मैं रुकना चाहूँगा यहाँ पे और इसको मैं लगा के लाता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं कि ये चलता है या नहीं चलता है। तो ये प्रोसेसर ये और इसका प्रोसेसर ये दोनों अलग अलग लगा के ले आता हूँ, और तब देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता। तो अगले में होल्ड करता हूँ वीडियो। ये प्रोसेसर लग गया अभी, और जस्ट इसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं हम कि ये सही से लगा है या नहीं लगा है, फिर इसको सप्लाई दे देंगे यहाँ पे हम। तो एक साइड में तो मुझे निकला ये प्रॉपर लगा हुआ है, सही है। ये है तीसरा साइड, इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये
ये भी थोड़ा मुश्किल होगा, बट ये सही दिख रहा है। और साथ ही साथ आसपास में कुछ कंपोनेंट थोड़ा सा फ्लक्स तो लगा है इस पे, क्योंकि बाहर आता है और मैंने उसको क्लीन नहीं किया है। ये हो गया, ये लग गए हैं। अब इस पे थोड़े से इम्पीडेंस अपने वो चेक करने होंगे कि जो प्रॉब्लम पहले थे वो हटे हैं या नहीं। यहाँ पर 1.0 ये तो मिल गया, 27 ठीक है, ये सही हो गया। ये तो पहले ही मैं सही कर दिया था। और सप्लाई 4.2 ओम्स का है यहाँ पे, यानी कि और GT वाला सप्लाई 2 ओम्स ठीक है, और 1.0 27 VCCA से 6.5 यानी 7। तो अब इसमें हम सप्लाई देके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है इसका कंडीशन। तो एक बार मैं चेक करता हूँ इसे। स्विच भी लगाने होंगे क्योंकि ये डायरेक्टली ऑन नहीं होता। ट्वेंटी सिक्स कंजप्शन है यहाँ पे अगर, और इसको ऑन करें तो 3.4 सप्लाई तो बन गया होगा। अगर देखा जाए 360 1.0 90 VCCGT तो नहीं दिखेगा, हालांकि डिस्प्ले आ रखा होगा इसमें मुझे ऐसा लग रहा है, बट सर सॉरी रैम नहीं लगाया ना मैंने मिस्टेक करके। रैम होता है गड़बड़ी कभी कभी, क्या करेंगे। करंट कंजप्शन के बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है कि ये आ गया और आएगा। आ गया होगा इस पर ऐसा लग रहा है। एक बार पेन ड्राइव लगा के चेक कर सकते हैं कि क्या है। ये आ रहा है डिस्प्ले, हालांकि ये ऑल इन वन है तो इसमें HDMI पे नहीं दिखाएगा, लेकिन जो दिखाता था मैं ये आ रहा है। एक मिनट चल रहा है, सेट पर बंद हो गया। तो एक बार मैं ऑफ भी हो रहा है, फिर से दोबारा से ऑन कर लेता हूँ एक बार के लिए। और यहाँ पर देखते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर से रिस्टार्ट करने पर। स्लो आई थिंक, क्योंकि मैंने प्रोसेसर दूसरा लगाया है और थोड़ा सा वायरस सेटिंग भी किया हुआ है इस पर, एमए क्लीन नहीं किया है, इससे सर्टन स्लो हो सकता है, बट ये आ गया डिस्प्ले। तो इस तरह से ये केस कंप्लीट हो गया। और इसमें और कोई दिक्कत तो अब जब तक इसमें डिस्प्ले नहीं लगा लें तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। और डिस्प्ले ये मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये है किसी ने भेजा है तो इंजीनियर के द्वारा आया हुआ है, तो इसमें क्या करना होगा मुझे, या तो फिर भेजना होगा उनको, वही चेक करके बताएंगे। अगर उनसे हम डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट जरूर ला कर दिखाऊंगा, बट ये चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली डिस्प्ले जैसे हम चेक करते हैं पेन ड्राइव वगैरह पे, तो ये से आ रहे हैं, तो करंट कंजप्शन भी सही है। तो इसमें भी कुछ दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा कि आपने क्या क्या किया वो बताएंगे। तो हालांकि इसमें जो हमने डायग्नोस किया है, जैसे कि थोड़ा सा मैं अगर हिंट देना चाहूँ तो इसका स्कीमेटिक है, और इसका जो प्रॉब्लम था ख़राब होने का, एक कोर में मिला और कोर सेक्शन का इशू था जो जिसके लिए प्रॉब्लम हुआ था, प्लस क्लॉकिंग का इशू था जो इसके लिए ख़राब हुआ था। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें मैंने पहले ही बताया था कि
यहाँ पे अपने को जो सप्लाई शॉर्ट है यानी कि 1.0 हो गया ये शॉर्ट था, 3.3 हो गया ये शॉर्ट था, तो इनमें +5 भी था शॉर्ट। अब चलो हम मान लेते हैं 1.0 शॉर्ट है, 3.3 शॉर्ट हो गया क्योंकि ये S5 ऑलवेज से अपने को SOC में जाता है, ये समझ में आता है। बट यहाँ पे ये 5 वोल्ट क्यों शॉर्ट हुआ, इसका क्या रीज़न हो सकता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सबके लिए। और अगर कोई इंजीनियर है अगर सही तरीके से इस चीज़ को ढूंढना चाहे तो ज़रूर मिल जाएगा क्यों शॉर्ट हुआ, क्योंकि ये जो है यहाँ पे कंडीशन जो बन रहा है ऐसे केसों में, ये रिलेशन आप अगर देखा जाए तो उसमें तो ना मैंने कोई IC कोई चेंज ही नहीं किया है मैंने। अगर 3.5 का IC अगर देखा हूँ तो 3.5 के IC वही है, तो 3.5 के IC में ख़राबी नहीं था, यानी कि अगर देखा जाए तो ये मैं जस्ट इसको डिवर्क करने के लिए सोल्डरिंग इधर उधर करके चेक किया था इनेबल वगैरह पे, तो देखा IC ये लगा हुआ है और ना ही मैंने ये 1.0 1.8 सारे की तरफ मैंने काम किए हैं चेक किए हैं। वो इस तरह से एक एक करके डिवर्क करना पड़ता है और समझना पड़ता है कि सारे सप्लाई ओके हैं या नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर अगर क्वेश्चन अब ये आता है कि अगर IC ख़राब नहीं थे तो 5 वोल्ट में कैसे शॉर्टिंग आ गया, एक क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है और इसका आंसर इजीली मैं ऐसे नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे पिछले रिक्वायरमेंट्स है, आगे के रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको मतलब एक केस स्टडी में डिस्कस नहीं करा जाता है, जो कि एक बेसिकली एक ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट मतलब अंडर में आता है, जो आप देखेंगे इस चीज़ को ट्रेनिंग में ही कवर करा जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत क्रिटिकल है और उतना टाइम ओपन सोर्स में नहीं दिया जाता और देना भी नहीं होगा। तो ये सारी दिक्कतें थी, 5 वोल्ट क्यों शॉर्ट हुआ, अगर किसी को आइडिया है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, हो सकता है बहुत लोग जानते हैं इस चीज़ को, जानते भी होंगे। और दूसरा चीज़ ये है क्लॉकिंग का इशू प्लस अपने कोर का इशू, तो क्लॉकिंग के लिए कोर में इशू हुआ और कोर में इशू हुआ तो दूसरे प्रॉब्लम भी क्रिएट हुए, तो इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम हुए। यानी कि मैं इस पे इससे पहले कोर के भी कुछ रिक्वायरमेंट थे जो उसको कंप्लीट कराया है पिछले जो मतलब जिस समय मैंने डायग्नोस करना चालू किया था उस बीच में कोर के भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करे हैं, जो कि कुछ कुछ यहाँ पे मिसिंग थे जिसके कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हुए होंगे। तो एक छोटा सा ये केस है, CPU चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ करने होते हैं जो कि आसानी से मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है इस चीज़ को, क्योंकि आप समझ रहे हैं CPU चेंज करना मतलब कितने सारे रिक्वायरमेंट है। अब एक देखा जाए तो कंप्लीट एक बोर्ड का सारे सीक्वेंस पे आने पड़ेंगे, सारे चीज़ बताने पड़ेंगे, तो उतना पॉसिबल नहीं है बताना। तो एक छोटा सा केस मेरी तरफ से, अगर आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, तो ऐसी बात है कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ कुछ लोगों को थोड़ा सा मतलब अजीब ही लगता है क्योंकि वीडियोस वगैरह में कमेंट आते रहते हैं। तो इस तरह से मैं आंसर देने की कोशिश किया हूँ कि जो लोगों का कहना ये है कि प्रोसेसर ही तो लगाना है, प्रोसेसर ही लगाना है, तो इसको जस्ट खोल के निकाल के लगा देना प्रोसेसर, उसको लगाना नहीं होता, वो तो कोई बच्चा भी कर लगा जिसको BGA मशीन चलाने आता है या फिर सोल्डिंग आयरन पकड़ने आता है, ये सब थोड़ा सा हैंड स्किल जिसका है वो लगा लेगा, बट वो लगाने के बाद चलना है नहीं चलेगा ये सारी चीज़ें, इसमें सक्सेस रेशियो तभी आएंगे जब आपके डायग्नोस में एक्यूरेसी आएंगे, नहीं आप जो डायग्नोस कर रहे हो उसका डायग्नोसिस का मतलब वो कोई रीज़न वैलिड रीज़न होना चाहिए या वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए, तभी जाके आपको CPU या SOC या कोई PCH कोई भी चीज़ आप चेंज करते हो बोर्डों में, कोई भी कंपनी का हो कोई भी चीज़ हो, इवन नॉट रिलेटेड टू मतलब लैपटॉप कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो तभी जाके रिजल्ट मिलता है। तो एक छोटा सा केस, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि जो लोग ट्रेनिंग के लिए इंक्वायरी कर रहे थे वो नया बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं मुझे कॉल करके, क्योंकि अभी कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है नया बैच, तो ऑलरेडी कुछ लोग ऑलरेडी हैं यहाँ पे और जिनमें जो रह गए थे वो कर सकते हैं रजिस्टर। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।